नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं बात करूंगा कि आप लोगों को क्यों नहीं निकाला जा रहा, और बहुत जल्दी मोदी सरकार ऐलान करने वाली है कि आप जो बहुत सारी कंट्री में, बहुत सारी पूरे दुनिया में जो इंडियन रहते हैं, क्योंकि लगभग बहुत भारी मात्रा में इंडियन रहते हैं, इसकी वजह से काफी लेट चल रहा है। मैं आपको साथ शेयर करूंगा, दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट को लेकर भी आपके साथ न्यूज शेयर करूंगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो लाइक जरूर कर दे। सबसे पहले बात करें, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट ऐसी है वैसी है। इंडियन गवर्नमेंट ऐसी वैसी नहीं है, काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको मालूम होगा पूरे दुनिया में बात करें इस समय लगभग 200 प्लस कंट्री हैं, वहां पे बात करें टोटल कितने इंडियन बाहर रहते हैं, जो बाहर में रहते हैं आपको मालूम बता दें 4 करोड़ प्लस रहते हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं 4 करोड़ प्लस बाहर में रहते हैं। तो आप सोच सकते हैं खुद उनको, अगर जो उसमें से 2-4% ही अगर जो निकले वहां से सभी अपने घर के लिए रवाना हो गए, तो फिर क्या सिचुएशन होगा इंडिया का, क्या सिचुएशन होगा इंडिया का, जो कि आप समझ सकते हैं 20 से 25 लाख, मतलब काफी भारी मात्रा में इंडियन गवर्नमेंट को इंतजाम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन में, आपको मालूम होगा बहुत सारे इतने देश नहीं इतने बड़े बड़े होंगे जितना कि इंडिया के लोग बाहर में, 4 करोड़ की आबादी बाहर में रहती है इंडिया की। इसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट लगातार सभी राज्य के साथ मिलकर, जो सभी राज्य हैं उनसे मिलकर लगातार इसका उपाय किया जा रहा है, लगातार वहां पे बातचीत चल रही है, जो कि काफी बेहतरीन। आने वाले वक्त में बस तैयारी लगभग 100% पूरी हो चुकी है, बस ऐलान किया जाना है, बस यही अब बचा है। जैसे ही, क्योंकि 27 को नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बात की सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों से, उसमें भी उठाया गया था कि जो कि इस समय जो विदेश में उनके नागरिक हैं उनको लाया जाएगा, तो लाया जाए, इसीलिए राज्य राज्य को भी तैयार किया जा रहा है, क्योंकि आप कई बहुत सारे महाराष्ट्र मुंबई के रहने वाले, कोई गुजरात के रहने वाला, कोई केरला का रहने वाला, ऐसे ऐसे सभी राज्य को, यूपी बिहार सभी को तैयार किया जा रहा है कि भाई व्यवस्था कर लो, क्योंकि भारी मात्रा में आदमी आने वाले हैं, क्योंकि अगर जो 4 करोड़ जो बाहर रहते हैं इसमें से 5% ही चले गए, तो काफी भारी मात्रा में इंडिया पे बोझ पड़ेगा, तो उनको क्या ऐसे घर तो नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि कोरोना वायरस का टेस्ट भी होगा। अगर जो आप यहाँ से घर स्टूडेंट हो या फिर जॉब के लिए या टूरिस्ट हो, बहुत सारे लोग इंडिया के टूरिस्ट भी बहुत सारे देशों में बात चुके हैं, स्टूडेंट तो सबसे ज्यादा है, जो पढ़ने लिखने के लिए बाहर के गए थे वो सबसे ज्यादा भारी मात्रा में वो लोग बात चुके हैं, क्योंकि स्कूल पूरा बंद चल रहा है, उसके बाद ये आफत आ चुकी है कोरोना वायरस, इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट लगातार विचार कर रही है। आने वाले वक्तों में 1 हफ्ते के अंदर हो सकता है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 1 हफ्ते के अंदर, जैसे 3 मई को लॉकडाउन अगर जो खत्म नहीं हुआ बढ़ाया भी जाएगा, तो हो सकता है स्पेशल फ्लाइट को लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे देशों में इस समय अमरीका से लेकर लंदन सभी देशों में इंडियन एम्बेसी लगातार काम कर रही है इस विषय पे कि हम पूरी तरह से तैयारी कर ले, जो लोग घर जाने वाले हैं उनके विषय में लगातार इंडियन एम्बेसी वहां पे तैयारी कर चुकी है, बस इंडियन गवर्नमेंट की बिदेरी। वहीं बात करें दिल्ली एयरपोर्ट या मुंबई एयरपोर्ट, तो दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट जो कि आपको मालूम होगा इंडिया के जो सबसे बड़े एयरपोर्टों में, दिल्ली और मुंबई, जहां लगभग बहुत सारे फ्लाइट एक दिन में उतरते हैं, उन दोनों एयरपोर्ट, पहले बात करें दिल्ली के, तो दिल्ली एयरपोर्ट तो पूरी तरह से अब तैयार हो चुका है, जो पैसेंजर वहां पे ट्रेवल करेंगे वहां से सभी तो पूरी तरह से वहां पे तैयारी कर ली गई है, क्योंकि आपको मालूम होगा लगातार ये कोरोना वायरस एक दिन में तो शांत नहीं होगा कि ऐसे चलो या एयरपोर्ट बार बार बंद ही रहेगा, क्योंकि एयरपोर्ट को तो खोलना बहुत जरूरी है, बहुत सारे इंडियन आपको मालूम होगा बाहर में बजे हुए, तो इसके लिए और आने वाले वक्तों में लगातार एयरपोर्ट तो बंद नहीं रहेगा, इसके लिए दिल्ली ने बहुत ही स्पेशल, जी हाँ, स्कैनिंग करेंगे, उसके बाद साफ सफाई का हर एक चीज का पूरा ध्यान रखा गया। इसके बाद वहीं दिल्ली सरकार ने जो कि जानकारी दी कि दिल्ली एयरपोर्ट बस सरकार का इंतजार कर रही है, दिल्ली एयरपोर्ट जो है सरकार का इंतजार कर रही है कि जैसे ही फ्लाइट चालू होगा दिल्ली एयरपोर्ट पूरी तरह से चालू कर दिया जाएगा, पूरी तरह से वो 100% रेडी हो चुका। वहीं मुंबई की बात करें तो मुंबई सेम है, मुंबई भी कमर कस चुका अपने यहाँ की यात्रियों की, जो कि लगातार आपको मालूम होगा मुंबई जो कि इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, वहां लगातार क्योंकि वहां सबसे ज्यादा यात्री वहां पे ट्रेवल करेंगे, तो इसके वजह से दोनों एयरपोर्टों ने अपनी कमर कस ली, और आने वाले वक्तों में इंडियन गवर्नमेंट लगातार आपको हो सकता है 1 हफ्ते के अंदर, जैसे 3 मई को लॉकडाउन खत्म होगा 4 मई को कुछ बेहतरीन न्यूज जरूर आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, वीडियो को लाइक कर देगा। नमस्कार।